उसे नारी का सम्मान करना चाहिए और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह हम सभी के लिए निंदनीय है कि हम लोगों ने भोजपुरी के समाज को इतना गंदा बना रखा है कि जिसका कोई हद नहीं है। मैं भी एक गाना गाया था, मुझे भी लोगों ने काफ़ी कहा कि सुनील जी आप ऐसे गाने गा रहे हैं। मैंने कहा कि भाई गलती मेरी है कि मैं वैसे गाने गा रहा हूँ, मुझसे भी भद्दे भद्दे लोग गाना गा रहे हैं, लेकिन जहाँ मैंने एक थोड़ी सी एक ऑडियो मैंने डाला तो लोगों ने कहा सुनील जी आप भी गाना शूट नहीं करा। क्यों भाई, मैं इंसान नहीं हूँ, हर व्यक्ति चाहता है आगे बढ़ना। मैं अगर थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई किसी के बारे में उल्टा तो गाया नहीं, मैंने वही चीज़ गाया जो लोगों ने देखना पसंद किया। उस गीत पर 14,000-15,000 व्यूज जा रहे हैं, इतना अच्छा भजन गाया, भजन को सुनने वाला कोई नहीं मिला। 6,000, 5,000, 300, 200 ये व्यूज आ रहे हैं। ये हमारे यहाँ की जनता और ये हमारे यहाँ के ऑडियंस, कितना भी अच्छा परोस दो कोई ना कोई कमियाँ जरूर निकल जाएगी। कमी तो है, वो अलग की बात है। हर कलाकार 3,000-4,000 रुपये इन्वेस्ट करके म्यूजिक बनवाता है, गाना अपलोड करता है, व्यूज आते हैं 300-200। मजा लेता रहरिया में कोई बड़ा कलाकार गा देता है तो रातों रात मिलियन पहुंच जाता है। वाह, ये हमारा अरे भाई मैं अच्छा गा के ही क्या करूंगा, सुनने वाले ही नहीं होंगे तो। भोजपुरी का स्तर विशाल भाई इतना गिर चुका है कि ट्रेंडिंग आने के लिए एक दूसरे को लोग गाली तक दे दे रहे हैं और वो गाली ट्रेंडिंग में आ जा रही है। ये स्तर है भोजपुरी का। अगर कोई कलाकार अच्छे गीत गा रहा है तो उस गीतों को दबा दिया जाता है, उस पर व्यूज जाते हैं 100, 150, 200। चोली बटम खोले वाला गाना अगर जो आ जा तो बस 2 दिन के अंदर वो मिलियन पहुंच जाता है। ये हमारा समाज है और ये हमको समाज इतना बेहतरीन तरीके से प्ले कर रहा है, दिखा रहा है। अगर हम अगर जो कोई गलती करते तो हमको रोकने वाले 10 लोग हैं। वो बड़े स्टार कलाकार अगर जो गलती कर रहे हैं तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है। एक गीत गाया तो उसमें 50 कमेंट आया है और उस 50 कमेंट में कुछ लोगों ने ये कमेंट किया है, अरे भैया वो तो भाग गई थी फिर वापस कैसे आ गई। कुछ ने कमेंट किया है, भैया क्या गजब का आती है, क्या गजब का आपने पोस्टर डाला है, मुझे बड़ा खुशी हुआ है। मुझे भी बड़ा दुख हुआ इस बात को लेके। अगर कलाकार 2-3 साल लग अपनी गायकी बंद किया फिर अगर रिटर्न आ रहा है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसके ऊपर आप लोग उंगली उठा के कह रहे हैं कि अरे यार वो भाग चुकी है, इस तरह की बातें आ रही हैं सुनने में। तो मैं उस कलाकार का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये मैंने देख लिया, ये मैंने जान लिया, आज के समाज में जो गाली देता है उसको लोग ट्रेंडिंग वीडियो मानते हैं। और जो कलाकार अगर जो अपनी गलती को छिपा कर फिर दोबारा अगर मार्केट में आना चाहता है तो उन कलाकारों के ऊपर लोग धब्बा लगा देते हैं और कहते हैं ये गलत है। ये हमारे यहाँ की सोसाइटी है। कलाकार फोन करके पूछ रहे हैं, अरे भैया बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने एक बार पुनः उस कलाकार को मौका दिया। मैंने कहा भाई क्यों नहीं दूंगा मौका, अगर जो वो वापस आ रही है कुछ करने के लिए, उसका मन है, उसने मुझसे बोला, मैंने उसको एक दे दिया समय, अच्छा कर जाए तो सो बेटर है, नहीं अच्छा करे तो भगवान जाने। बड़ा कष्ट होता है इस बात को लेकर यार कि कैसे कैसे लोग हैं। फिर भी मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, अगर जो जो भी मेरे वीडियो आ रहे हैं, ऑडियो आ रहे हैं, आप मेरे चैनल पे जाएं, विजिट करें, अच्छा लगे सुने, नहीं अच्छा लगे कमेंट करें, हाँ भैया ये गाना अच्छा नहीं लग रहा है। कोशिश करूँगा मैं और बेहतरीन करने का। और
सम्राट शुभम शाही जी कह रहे हैं कुशीनगर के प्रथम आवाज़ उठाने के लिए दिल से धन्यवाद। भैया आपको भी प्रणाम है, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये पूरे भोजपुरिया समाज की आवाज़ है। आज एक छोटा सा कलाकार अगर जो कोई बात कहता है तो लोग उसको अन्यथा ले लेते हैं, और एक बड़ा स्टारड्रम जो कि एक छोटी सी क्लिप उसकी वायरल ऐसे हो रही है जैसे लग रहा है कि साला कितना बड़ा अपराध किया हो, और लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। अरे भाई क्या हम लोग भी भोजपुरी के गाने गाते हैं? हमारे गाने सुनने के लिए तो कोई नहीं मिलता है। नहीं ऐसा इस्तेमाल ठीक है, रियाज करें क्या कर रहे हैं वो अलग की चीज है। वो भाई वो गलती नहीं, मैं सॉरी नाम नहीं लूंगा, वो उस कलाकार की गलती है, लेकिन हम कितने अच्छे हैं, हमने क्या किया? अगर जो उस बंदे ने गलती की उसको सजा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन हम अपना व्यूज बढ़ाने के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम अपना व्यूज बढ़ाने के लिए फला आदमी ने फला को ये कह दिया, फला कलाकार ने फला को ये कह दिया। अरे भाई छोटे कलाकार भी तो अपना व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं, वो अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, क्यों नहीं भोजपुरी समाज उस गाने को सुनता है? अगर वो गलती करता है तो उसके लिए आप 50 तरह की अटेंडम रखते हैं और कहते हैं कि फला कलाकार ने ये गलत गा दिया। भाई वो समाज में भी एक छोटी सी बात कह दिया तो आप उसका मीडिया सुनने वाले नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और स्टारडम अगर जो वो कहा जाता है ना कि अगर जो छोटा सा शब्द नहीं कहना चाहूँगा ऐसे मतलब पाक दे तो पूरे विश्व में चर्चा हो जाता है, अरे यार फला आदमी ने पाक दिया है। ये शब्द मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मुझे कहने पर मजबूर किया गया। उसने अगर जो बस एक बूफ छोड़ दिया तो उस पाद की घनक पूरे राज्य में फैल जाती है।